एक महिला जो है केस के तारीख पर कोर्ट में गई हुई थी, लेकिन वहने के बाद से वो घर लौट कर नहीं आती है और अभी तक कोई आता पता नहीं है। लगभग 10 रोज इस मामला को हो गया है। अभी हम लोग उसी परिजन के यहाँ पहुँच चुके हैं, आपको तमाम जानकारी देंगे कि वो महिला कहाँ गई थी, क्या काम से गई थी और कैसे लापता हो गई। लगभग ये 10 दिन हो चुका है, 10 तारीख का मामला है और आज 19 तारीख है। चलिए हम उस परिवार के यहाँ पहुँच चुके हैं। यही वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी लापता है, इनका नाम है लालदेव मुखिया और अभी हम लोग मौजूद हैं सुपौल जिला के झिला डुमरी पंचायत वार्ड नंबर 4 में। आइए क्या पूरा मामला था जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? लालदेव मुखिया। कहाँ घर है? सदानंदपुर 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड जी। घर आप ही का है? जी। अच्छा अच्छा, एक बार घर दिखाइएगा। देखिए ये लोग गरीब परिवार है और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इनके परिवार में बगल वालों से कुछ जमीनी विवाद चल रहा था। क्या मामला था, जमीनी विवाद किससे चल रहा है? घनश्याम मुखिया से। अच्छा, तो ये क्या मतलब कितना दिन से विवाद चल रहा है? विवाद तो बहुत दिन से चल रहा था। अच्छा, पत्नी आपकी कब से गायब है? 10 तारीख मंगलवार से। यही 10 तारीख से? हाँ। कहाँ गई हुई थी? आज 10 रोज हो गया, तारीख पे गया था। तारीख पे? हाँ। सुपौल में? हाँ, सुपौल में गया था। सुपौल कोर्ट में गया? हाँ जी, कोर्ट गया था। अच्छा, 10 तारीख को मंगलवार को। वो अकेले गई हुई थी? अकेले गई थी। कब यानी कितने बजे वो घर से निकली थी और कब आप लोगों को पता चला जो वो नहीं आई, आप लोग खोजना शुरू किए, कब पता चला? 8 बजे यहाँ से खाना खा के निकला तारीख को। अच्छा, 5-6 बजे शाम से हम लोग ढूंढने लग गया। अभी तक 4 बजे वो आ जाता था, आज अभी 6 बज गए, 2 घंटा ज़्यादा ही हो गया, अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा। मामला क्या है, अभी तक पहुंचा नहीं, कि गाड़ी में लेट है कि क्या है। फ़ोन किए कोर्ट तो बोला कि वो तो 4 बजे उनको छुट्टी दे दिए थे। फिर अच्छा, भी वो अकेले गए थे क्या? अकेले गए थे, फिर भी हम लोग 2 घंटा लॉस किए। समय कि हो सकता है लेट गाड़ी का बात है कि हो सकता है गाड़ी में लेट होगा, तो समय इसीलिए लग गया था। 7 बजे शाम तक देखा कि नहीं आया, तो सोचे कि कहीं बात। उसके पास कोई मोबाइल वोबाइल था? कोई मोबाइल नहीं थे। नहीं, धमकी दिया था इससे पहले कि जिस दिन अकेले में पकड़ाएगी उस दिन तू घर लौट के नहीं आएगी। कौन धमकी दिया था? घनश्याम मुखिया धमकी दी थी। केस में उसका भी नाम दिया है क्या? हाँ, उसका भी नाम था। अच्छा, सुनते हैं कि 17 आदमी का आप नाम दिए हुए हैं FIR में, सही बात है? सही बात है। इतना ज्यादा लोगों का नाम देने का क्या कारण है? सभी मिलके मारता पीटता था। अच्छा अच्छा, धमकी देता था, लेडीज यहाँ पे आके उसको पिटाई करता था। आवेदन दिए थाना में? दिए। कब दिए हैं? 12 तारीख को। 12 तारीख को कौन थाना में दिए हैं? थाना भपटियाही में। भपटियाही में अभी तक कोई सुनवा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। नहीं है, यानी लगभग 1 सप्ताह हो गया, अभी पुलिस कोई जाँच उच में नहीं आई है? जाँच में आई थी, पुलिस आई थी। आई थी। अच्छा अच्छा, एक दिन आई आल रहे। उसके बाद फिर कुछ खबर नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ खबर नहीं हुआ अभी तक उसका। देखिए ये भपटियाही थाना क्षेत्र का मामला है और इनके द्वारा कुल 17 नामजद किया गया है और आवेदन भी भपटियाही थाना में दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आई हुई थी, उसके बाद कुछ भी पता नहीं चला है अभी तक। आप आवेदन का भी कॉपी देख रहे होंगे स्क्रीन पर और उस महिला का फोटो भी आप देख रहे होंगे। अगर कोई भी कहीं भी इस महिला को अगर देखते हैं, नज़र आता है, तो आप तुरंत ही इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। कहीं ना कहीं देखिए आज के दौर में जो है जमीनी विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और जमीनी विवाद एक जड़ बन जाता है और वहाँ से तरह तरह की घटनाएँ देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही मामला है, बगल वालों से जमीनी विवाद चल रहा है और उसको लेकर इनका शक है कि वही लोग कहीं ना कहीं इनके पत्नी को गायब कर दिए हैं। अच्छा, आप लोग आप जो इन लोगों का नाम दिए हैं तो क्या आपको शक है इन्हीं लोगों पे? इन्हीं लोगों पे शक है जी। हाँ, क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको, क्या कर सकता है? यही लोग धमकी दिया था उठाने का, पहले भी धमकी? हाँ, धमकी दे रहा था बार बार। अच्छा, उठा लेंगे, अभी तक नहीं गए, इसीलिए हम लोग शक कर रहे हैं। प्रशासन पुलिस से क्या कहना चाहिएगा, उसका निर्णय होना चाहिए और क्या कहेंगे? न्याय मिलना चाहिए। हाँ।
पत्नी को खोज के लाना चाहिए। हाँ जी, कल एगो बच्चे उच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, दो लड़का एक लड़की। कल गए थे तो वो हमारे ही ऊपर धमकी दे रहा पुलिस वाले। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आपको? बोल रहा है कि वो लोग ब्याम दिया है 3.5 लाख तो रुपए लेके भाग गया तेरा पत्नी, वो ब्याम दे रहा उनते हम ही लोग पे। अरे भैया, किसका 3.5 लाख लेके भाग गया? अगर मान लेते हैं 3.5 लाख लेके भाग भी गया तो आपकी पत्नी को तो खोज के ला दें वो लोग। जी क्या जी तो रहे? हाँ सर, हमरे पुतो छे। साथ में रहे कि अलग में रहे? ना छे रहे भिने में, साथ में नहीं रहे। अच्छा, साथ में नहीं रहे। बाबू हम झूठ नहीं बोलबे। नहीं अच्छा, जमीन उमीन के जे मामला चले छे कि सही में चल रहल? हाँ सही में चले छे। अच्छा, सही में चले। यहाँ के पुतो के सही में धमकी उमकी दल के रहे? धमकी उमकी तो खूब देते रहे, वो बात सही छे बुझल बा। तो आब जे कर तर घर वाला कल कि जा जा हम गलिए गाड़ी पर चढ़ के घोक तन के भाग गए। सर चलिए उचका पर अखड़ा पर, हमार अठी दियाद है अपन अठी, हमरा कोई नहीं है नैहर में है हम। अच्छा, नैहर है वही कथा। यहाँ कोई नहीं है? ना हमरा नहीं है यहाँ कोई। तो वहाँ देखे थे क्या उनको? हाँ उन लोग कहा जो हम देखा, मगर गाड़ी पर चढ़ के भाग गया घोक तन का। क्यों भाग जाएगी? वो इनके साथ में नहीं रहती थी? नहीं नहीं रहते था ना, भागे सर धियापुता छोड़कर घर वाला छोड़कर। ये बताइए एक चीज बताइए लालदेव जी, आपके पत्नी से आपस में भी कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं नहीं लड़ाई थी। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा? आपके पास रहती थी यहाँ? जी। चलिए, हालांकि देखिए इस मामला में जो है पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। इनकी पत्नी गायब है, लापता है, और इस तरह की मामला पर, इस तरह की घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक लापता महिला का पता चल सके। और लगातार खबरों के लिए आप लोग बने रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद। I'm sorry.